वन स्टॉप सेंटर सखी में आने से पहले आपके जीवन में क्या समस्या थी? सर, मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। लगातार से मैं परेशानी थी, 10-12 साल हो गए हैं मुझे, तो बहुत परेशान थी। अब मैं 10-15 दिन पहले मैं अपने भाई के घर चली गई थी, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा था। हम 4 दिन से भूखे रखे गए, हमारे घर में कोई सहायता मेरी नहीं की किसी ने भी। तो फिर मैं अपने भाई के घर चली गई, 10-15 दिन वहाँ रही। उसके बाद मेरे पति ने मेरे घर में आग लगा के मेरा सारा सामान जला दिया, मेरा सामान कुछ भी नहीं बचा सर। तो मैंने थाना रिपोर्ट करवाई तरावड़ी में, वहाँ पे उन्होंने उसको ले जाकर फिर छोड़ दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैं परेशान होके, मुझे यहाँ मेरे अंकल जी ने बताया था, उनके थ्रू मैं यहाँ आई वन स्टॉप में। यहाँ मैं डायरेक्टली आई हूँ, किसी के थ्रू नहीं आई। तो यहाँ मेरे को मैडमों ने रखा, अच्छे से रखा, खाने पीने की भी, काउंसलिंग भी की, और मुझे कानून की सहायता भी दे रहे हैं, और मुझे आश्रम में कमरा भी दिलाया है, जो मुझे उम्मीद नहीं थी। तो अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं अपने बच्चों के साथ रहूँगी, अपना कमाऊँगी और खाऊँगी। तो शादी से पहले आप, शादी के बाद ससुराल में क्या क्या तकलीफें आप झेल रहे थे? सर, वो शराबी है, सुबह चाय की जगह उनकी शराब चलती है, और नशे करते हैं, गोलियां वगैरह कैप्सूल खाते हैं। जो कमाई करते हैं वो अपने खर्चे ही करते हैं, वो हमें नहीं देखते थे। मेरे बच्चों की पढ़ाई भी ख़राब हो रही है, कभी वहाँ 6 महीने भाई के पास, कभी यहाँ, ऐसे बहुत परेशानी हमने देखी है। आपके साथ मारपीट आई थी? हाँ जी, कभी कभी, हाँ जी, ये भी होता है। और महिला एवं बाल विकास ने जो ये मुहिम चालू की है वन स्टॉप सेंटर, हाँ जी, हाँ जी, आपको क्या लगता है इससे महिलाओं का कुछ भला हो रहा है? हाँ जी सर, नई जिंदगी मिल रही है सर हमें, जहाँ जो भी आ रहा है ना, हमें नहीं लगता कि कोई परेशान होगा। हमारी इतनी सहायता की जा रही है, तो हर किसी के लिए कर रहे हैं ये लोग।